सो हेलो गाइज, वेलकम टू केजी, दैट इज कॉन्सेप्ट रिविजन, एनी टाइम एनी वेयर फॉर जेई मेन्स एडवांस एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स। तो आज गाइज हम लोगों को ये क्वेश्चन मिला है SOT वाले चैप्टर का, मतलब ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है तो वो SOT में ही माना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है ट्राइंगल की साइड्स के पैरेलल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल, मतलब पॉइंट जो है वो ट्राइंगल के अंदर लाइक कर रहा है, वहां से तीन स्ट्रेट लाइन बनाई है जो कि ट्राइंगल की साइड्स के पैरेलल है। तो वो जो लाइंस बनाई है वो छह रीजन्स में डिवाइड करी है ट्राइंगल को, मतलब कि जो पॉइंट है वो कहीं पे भी ट्राइंगल के ऊपर लाइन नहीं कर रहा, ट्राइंगल के अंदर ही है। ठीक है, और वो तीन ट्राइंगल भी बन रहे हैं, उसमें से उन तीन ट्राइंगल का एरिया दे रखा है अपन को, तो अपन को पूरे ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ये ट्राइंगल हो गया PQR, इसमें O पॉइंट है, वहां से तीन लाइन पास हो रही है जो कि साइड्स के पैरेलल है। ठीक है, अब वो ट्राइंगल बना रही है, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये इसका एरिया 4 हो गया, थोड़ा बड़ा है इसका एरिया 9 हो गया, ये सबसे बड़ा है इसका एरिया 16 हो गया। ठीक है, तो अब अपन इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे अपन सिमिलैरिटी से। सिमिलैरिटी जो कि 9th 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ाई जाती है, वो भी यूज होती है और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है JEE में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, ये दो ट्राइंगल है, ODC OAB, ये दोनों में ये वाली लाइन जो है OC और AB, ये पैरेलल है। ठीक है, ये एक ही लाइन है, AD जो है वो एक ही लाइन है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये वाली जो लाइन है OB और DC ये भी पैरेलल है। ठीक है, तो उससे ये जो ट्राइंगल है दोनों ये सिमिलर हो जाते हैं, OAB और ODC। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इनका एरिया अपन को पता है, तो अपन इनकी साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। तो A रेशियो OD क्या होगा, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, OD रेशियो OA क्या होगा, इन इनके एरिया का रूट, रूट ऑफ 9 रेशो रूट ऑफ 16, ये क्या होगा 3:4। ठीक है, अब अगर ये 3x है और ये 4x है तो टोटल AD कितना हो गया 7x, तो OD रेशो AD कितना हो गया 3:7। तो अब इससे अपन ये वाले ट्राइंगल का और ये बड़ा वाला ADR जो ट्राइंगल है इसका एरिया का अपन रेशो निकाल सकते हैं, तो अपन ने निकाला इनका स्क्वायर करके 9:49 हो गया। अब इसका ODC का अपन को पता है एरिया 9 है, तो ADR का क्या हो गया 49 हो गया, क्योंकि रेशो ये है, तो एरिया ऑफ ADR क्या हो गया 49। अपन को ये पता है कि इस 49 में 9 ये है 16 ये है, अपन को ये पता लगाना है, तो ये कितना हो गया 49 - 16 - 9 - 24, ये हो गया इसका इस पार्ट का एरिया, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसका एरिया हो गया 24। अब ऐसे ही अगर अपन ये वाला ट्राइंगल ले और ये वाला ट्राइंगल ले, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तो अपन को QFC का एरिया पता चल जाएगा और उसकी मदद से अपन ये वाला एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला कैसे आएगा, इसका रूट करो 2, इसका रूट करो 3, 2 + 3 - 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से ये माइनस कर दो 4 और 9, वैसे ही कर रहा हूँ जैसे इसमें अपन ने किया था, 25 - 4 - 9 कितना होता है 13। ठीक है, 12, सॉरी 4 + 9 - 13 होता है ना, 25 में से माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, तो अपने पास इसका एरिया भी आ गया। अब बचा इसका एरिया, तो ये इन दोनों को लेके करेंगे, इसका रूट क्या होगा 4 का रूट 2 और 16 का रूट हो गया 4, 2 + 4 - 6 होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में से ये दोनों को माइनस कर दो, 36 - 20 कितना हुआ 16, 16। ठीक है, तो अपने पास ये एरिया भी आ गया। अपन के पास ये तीन एरिया पता है, ये तीनों अपन ने निकाल लिए, तो इन सबको ऐड कर दो, फाइनल एरिया आ जाएगा 81 हो जाएगा फाइनल। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में ऑप्शन सी है। ठीक है गाइस, इजी क्वेश्चन था, बस ट्राई करना है कि ये सिमिलैरिटी से होगा या किससे होगा। तो ये स्ट्राइक कैसे करेगा, प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, जरूर आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा जब भी JEE मेंस होगा, और अब तो रिसेंटली हो भी जाएगा, कोरोना कम हो रहा है तो
जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो प्रिपरेशन करते रहिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो हमारे चैनल से जुड़िए, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ अपने क्वेश्चंस अपलोड कीजिए, हम उसकी वीडियो सॉल्यूशन बना के देंगे, एंड आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं हम उतनी हेल्प करने का ट्राई करेंगे। ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।